गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ पृथ्वी त्यागी, फोर क्लास नाइन्थ इन भगवान परशुराम मॉडल इंस्टीट्यूट। टुडे माय टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्मा और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क्स लाइक। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी नेटवर्क्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्मा। इसे डिस्कवर किया था प्रोटन ने 1945 में। ये हमारी सेल है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से दिखता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्वाइन होता है, ऊपर आता है हमारा रफ और नीचे आता है हमारा स्मूथ। रफ के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम का वर्क होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना और स्मूथ का वर्क होता है हमारी लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करना। लिपिड उन्हें कहते हैं जो इनसोल्युबल होते हैं हमारे वाटर में। इसके नीचे आती है हमारी गोल्जी बॉडी और उसके पास हमारे वैक्यूल्स और राइबोसोम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होते हैं तीन तरह के, सिस्टर्ने, वैक्यूल्स और टिब्यूल्स। सिस्टर्ने उसे बोलते हैं जो जिसके पास ब्रांच नहीं होती और जो बिल्कुल फ्लैट होता है, और वैक्यूल्स उन्हें बोलते हैं ओवल्स मेम्ब्रेन बाउंड्री बोला जाता है, और टिब्यूल्स हमें उनको बोलते हैं जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट भी बोला जाता है। थैंक यू।